good morning all of you. in this part of structure and bonding, we will discuss about the linear theory, the brief introduction of the linear theory, and we will also discuss the structure of the sum of the molecules which have the 8 electron in their valence so first of all, we will see about the linear theory. linear theory is also called as the electron pair repulsion theory, and it is also called as the double quadrate theory. why it is so called? i am sorry, step by step, discuss karenge. तो ये जो लिनेट थ्योरी है ये आपकी क्यों आई जैसे कि हम सभी पहले से जानते हैं कि कोई भी नई थ्योरी तभी आती है जब जो आपकी प्रीवियस जो थ्योरीज आ चुकी हैं उनके अंदर कोई ना कोई लिमिटेशंस हो तो जो पहले थ्योरी आ चुकी हैं उनके अंदर कोई ना कोई लिमिटेशन रही होंगी उन्हीं लिमिटेशन को क्लियर करने के लिए उन्ही लिमिटेशन को दूर करने के लिए जब नई थ्योरी आती है तो उस थ्योरी को अब दिया गया यहाँ पे लिनेट ने सो इट इज कॉल्ड द लिनेट थ्योरी सो द प्रीवियस थ्योरीज आर लेविस जो लेविस इलेक्ट्रॉन्स थे वो एटम क्या करते आपस में जब भी कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो अपने चारों तरफ अपना ऑक्टेट कंप्लीट पूरा करने की कोशिश करते हैं जिसे ऑक्टेट रूल के नाम से भी हम कहते थे तो मिस अकॉर्डिंग टू द लेविस लैंगम्योर थ्योरी ईच ऑफ द

अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवा लें तो कंप्लीट करवाने के लिए वो क्या करता है वो आपका जो भी एटम है वो आपकी शेयरिंग भी करवा सकता है वो वो जो एटम है है आपकी लॉस ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या गेन भी कर सकता है। जैसे कि अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे सीएल फॉर्मेशन के दौरान सीएल की जो वैलेंस वैलेंशियल अगर आप कॉन्फिग्रेशन देखें तो क्लोरीन जो है ग्रुप नंबर सेवनटीन का एलिमेंट है ग्रुप सेवनटीन सेवनटीन के आखिर में सेवन है सेवन मीन उसकी वैलेंस वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सेवन तो सेवन इलेक्ट्रॉन को जब हमने सीएल के देखो चारों तरफ अरेंज किया तो कैसे किया टू 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 और वन अनपेड इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया ऐसे ही सेकेंड क्लोरीन के ऊपर हमने दिखाया तो ये जो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन की हमने शेयरिंग दिखाई देखो आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन हमने दिखा रखा है कि कैसे शेयरिंग हुई अब दोनों के, दोनों के दोनों क्लोरीन के पास उनकी वैलेंस वैलेंसल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर सकते हैं टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों सीएल के क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन्स है बीच में वो आपके म्यूचुअल शेयरिंग के हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों सी के हैं तो इसलिए टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हर सीएल के चारों तरफ वो कितने हो चुके हैं एट इलेक्ट्रॉन्स और ये चारों के चारों जो आपके पेयर बन चुके हैं यहाँ पे तो मीन ये थी आपकी थ्योरी लेकिन जो ये आपकी और मैंने क्या बताया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग और कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम है सोडियम के नंबर आप इलेवन जानते हैं तो कॉन्फिग्रेशन जो आप इसकी लिखते हैं तो जो सबसे पहली शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टू फिर एट और फिर वन ऐसे लिखते हैं आप हमेशा क्लोरीन के अंदर बोलो कितने होंगे टू कोमा एट कोमा सेवन ठीक हो गया अब होगा क्या जो सोडियम है ये जब एनर्जी 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 बाहर बाहर से से लेता है जो एक्स्ट्रा हम देते हैं जिसे आजीश एन आजीश एनर्जी कहते हैं जिसे कहते तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को जब लॉस कर देगा तो कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो इसके वैलेंसियल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे एट अब ये जो इलेक्ट्रॉन चला गया ये मिल गया किसको ये आपके क्लोरिन को जो वैल... इसके वैलेंशियल में सेवन इलेक्ट्रॉन थे क्लोरन के तो सेवन प्लस वन यहाँ पे बोलो कितने हो जाएंगे एट

लेकिन अब इसकी लिमिटेशन क्या थी लिमिटेशन ये थी कि कुछ मोलिक्यूल ऐसे हैं लाइक like ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती ये थ्योरी क्योंकि जब शेयरिंग हो जाएगी जैसे ऑक्सीजन की जब हम फॉर्मेशन करते हैं ओ टू जब बनता है तो ओ टू के दौरान जब शेयरिंग हो जाएगी ओ डबल बॉन्ड ओ जब बाद कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं ओ टू के अंदर अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थ्योरी तो ये आपके जो ओ टू है उसका पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है नेक्स्ट थ्योरी हम देखते हैं वैलेंस वैलेंस बॉन्ड बॉन्ड थ्योरी थ्योरी जो है इसने क्या किया था इट गिव्स द आवर ऑन द It gives the, our on the जैसे मैं आपको फिर बता दूं कि जो लेविस में और थी इसने अवर इम्फेसिस किसके ऊपर किया था इसने अवर इम्फेसिस किया था ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के ऊपर जो नेक्स्ट हमारी थ्योरी आई थी वैलेंस बोर्ड थ्योरी उसने अवर इम्फेसिस किसके ऊपर किया रेजुनेस के ऊपर मीन्स बट इट सेज इट सेज दैट

रेजोनेंस तो मीन्स रेजोनेंस हमें शो करनी पड़ती है जैसे अब इस कंपाउंड के अंदर देखें किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है और पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तो चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो गया तो देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर चेंज होती जा रही है वन स्ट्रक्चर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ एंड सोन जैसे डीलोकलाइजेशन होता है यहाँ पे उसके बाद एमो थ्योरी आपने देखी थी तो जो एमो थ्योरी है उसने क्या कहा था उसने जो भी बातें अपनी बताई लेकिन उन बातों के बेसिस के ऊपर सिर्फ ये जो थ्योरी है ये आपके जो अभी लिमिटेशन थी पीछे लैंग में थ्योरी की कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक करेक्टर लेकिन एमओ थ्योरी ने पैरामैग्नेटिक करेक्टर को क्या कर दिया था एक्सप्लेन देखो कैसे अगर हम कॉन्फिड्रेशन लिखे देखो ऑक्सीजन की वन एस टू टू एस टू टू बीफोर तो देखो ये एमो डायग्राम है आपके सामने अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करें आपके साइड में जो ऑर्बिटल्स हम दिखाते हैं देखो ये ये इधर तो आपके देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इधर शो कर रखे हैं जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन अप करते हैं सबसे पहले एक साइड में हमने मान लीजिए ये ले लिया ओ देखो इधर हम ओ ले, ले लेते हैं मींस एक ऑक्सीजन दूसरी साइड में हम दूसरी ऑक्सीजन ले लेंगे देखो ओ के नाम से हम उसको बोल देते हैं बीच में आपका ओ बन जाएगा क्या बन जाएगा आपका यहां पे ओटू अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं आपके ओ ए के अंदर देखो वन एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है टू फिर टू एस टू फिर टू पी फोर देखो टू फिर थ्री फिर हंड्स रूल को फॉलो किया उसके बाद ऐसे ही ऑक्सीजन के अंदर 1S2, 2S2, इस से हमने इलेक्ट्रॉन किए उसके बाद ऑर्बिटल्स में फिलअप करते हैं नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है टोटल वन एस वन एस टोटल फोर इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले सिग्मा वन एस के अंदर टू इलेक्ट्रॉन फिर सिग्मा स्टार के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स फिर नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड के अंदर टोटल एट ओ ए के अंदर फोर ओ बी के अंदर फोर टोटल एट इलेक्ट्रॉन से जो ब्लू कलर से आपके दिखा रखे हैं तो उनको आप फिलअप करेंगे उसी टाइप से अफभ का यूज करने के लिए पहले सिग्मा टू पी जेड के अंदर टू इलेक्ट्रॉन फिर टू फोर टू सिक्स फिर आपके जो आपका एनर्जी एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर तो पैरा मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया एक्सप्लेन तो बात क्या थी आपकी जो पीछे लेविस आपने पढ़ी वो क्या करती वो डायमैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करती है पैरा मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई ऑक्सीजन के एमो थ्योरी क्या है जी आपकी पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन कर पाती है लेकिन जो आपका ऑक्सीजन है वो दोनों तरह का नेचर शो करता है पैरामैग्नेटिक भी और डायमैग्नेटिक भी लेकिन ये सारी बातें करे कौन एक्सप्लेन तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए जो हर थ्योरी के अंदर कुछ कुछ कमी रह गई इसीलिए तो हमारी आई अगली थ्योरी जिसे कहते हैं लिनेट थ्योरी ऐसे वे वेव मैकेनिकल जो अप्रोच थी वो भी हमारी डेली एक्सपीरियंस डेली जो प्रॉब्लम एवरी डे कि उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर जो है हमारी थ्योरी थ्योरी करने से पहले हमें उन थ्योरीज का पता होना जरूरी था जिसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी जो किन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई उन्हीं बातों को तो एक्सप्लेन करेगी हमारी ये नेक्स्ट थ्योरी जिसको कहते हैं आप लिनिट थ्योरी तो इसके एडवांटेज क्या है एडवांटेज वही जो उनकी लिमिटेशन थी इन द लिनिट थ्योरी वी हैव द नो रिक्वायरमेंट फॉर ड्राइंग द मोर देन वन स्ट्रक्चर लाइक इन केस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को के अंदर हमें किसी भी कंपाउंड की किसी मोलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक से ज्यादा को ड्रा करना पड़ता था ऐसा लिनेट थ्योरी के अंदर हमें एक से ज्यादा ड्रा नहीं करनी पड़ेगी सो वी हैव द नो रिक्वायरमेंट टू ड्रा ए मोलिक्यूल बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर मीन वी हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ द रेजुनेस अकॉर्डिंग टू द लिनियट थ्योरी सेकेंड पॉइंट केट कैन इजिल एक्सप्लेन बोथ पैरामैग्नेटिक एंड द डायमेग्नेटिक्टर ऑफ द ऑक्सीजन मोलिक्यूल तो जो आपका पैरामैग्नेटिक करेक्टर है उसको भी एक्सप्लेन कर देगी आपकी थ्योरी और ये क्या नाम है डायमैग्नेटिक करेक्टर है उसको भी एक्सप्लेन कर देगी जो कि एमओ थ्योरी ने सिर्फ पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन किया था अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ जो है हमारी लिनिट थ्योरी लिनिट थ्योरी जे एम ने दी थी सो इसलिए इसको लिनिट थ्योरी कहते हैं जो लिनेट थ्योरी नाम क्यों आया बिकॉज इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट दैट इज अ अम लिनिट ये जो थ्योरी है इसमें जो पहले वाली जितनी भी थ्योरी आई जिनके अंदर कुछ लिमिटेशन थी उनकी कुछ कुछ बातों को इसी साइंटिस्ट ने यूज किया और जो लिमिटेशन आई उनको दूर करते हुए चला तो मिस दिस थ्योरी इज एसेंशियली ए मोडिफिकेशन ऑफ द ओल्ड थ्योरीज दैट इज द थ्योरी

लेकिन जो लिनिट है उसने ये बताया कि अब उसके बाद उसने दो बातों के ऊपर जोर दिया कि आपके पास दो फैक्टर हैं जिनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए जो जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ एट इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे करें फिर अरेंज सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को कैसे करें अरेंज क्या रहना चाहिए न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उस डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए लिनिट ने टू मेन फैक्टर्स को यूज किया फर्स्ट वन इज द स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट और दूसरा है चार्ज कोरिलेशन इफेक्ट तो स्पिन का मतलब क्या इसमें उसने पोलियो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाली बात के ऊपर जोर दिया ये कहा कि लाइक दैट ऑफ द पोलियो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द इन एन ऑर्बिटल देर कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बट ऑफ ऑपोजिट स्पिन दो अगर एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे ताकि उनके बीच रिपल्शन कम हो यानी जो दो इलेक्ट्रॉन है अगर वो सेम स्पिन के इकट्ठे आ जाएंगे तो उनके बीच रिपल्शन ज्यादा होगी अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर हम उनकी स्पिन अपोजिट रखते हैं डिफरेंट रखते हैं तो उनके नजदीक आने के चांस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे उनके बीच रिपल्शन कम होगी तो हमने ये बताया कि जैसे ये रोंग रहेगा कि दो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे शो करें कि टू एरो इन द अपवर्ड डायरेक्शन और दा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन क्योंकि ये सेम स्पिन के होंगे ऐसा ओली ने इस बात को सपोर्ट नहीं किया था पोली ने इस बात को सपोर्ट किया था जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि टू इलेक्ट्रॉन से ओपोजिट स्पिन के होने चाहिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चार्ज को रिलेशन ये तो हम पहले ही जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज कोलेशन इफेक्ट है ये किस बात के ऊपर है कि कोलम्बिक रिपल्शन हम पहले से जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ आपके

अपने आप को सेंट्रल एटम के चारों तरफ ताकि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो लेकिन सिर्फ इतनी बात कह के वेस्पर थ्योरी ने अपना पल्ला झाड़ लिया था कि ना कि भाई सिर्फ अरेंज कर दें इस तरीके से अरेंज कर दें कि उनके बीच रिपल्शन कम से कम हो लेकिन उनको अरेंज फिर कैसे करें वही बात तो अब लिनेट ने बताई कि दिन दो बातों का रखे ध्यान उन इलेक्ट्रॉन को अपने अरेंज करने के लिए सेंट्रल एटम के चारों तरफ अरेंज करते वक्त आप दो बातों का रखेंगे ध्यान। एक ये कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के नजदीक लाना हो तो वो ओपोजिट स्पिन के ही इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि क्योंकि दूसरा इफेक्ट चार्ज को रिलेशन यहां पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा नेगेटिव-नेगेटिव के बीच क्या होगी रिपल्शन होगी दैट इज दार्ज दा को रिलेशन इफेक्ट तो इन दो बातों को ध्यान रखते हुए ही हमारा रिजल्ट क्या निकलास टू अलोंग विद

इन एट इलेक्ट्रॉन्स को दो सेट में क्या कर दे डिवाइड कर दे एक स्टेबल स्ट्रक्चर करने के लिए सो so so जो जो हीट दो सेट के अंदर एक सेट में चार इलेक्ट्रॉन दूसरे सेट में भी चार इलेक्ट्रॉन चार को बोलते हैं क्वाटरेट क्या बोलते हैं बोलो क्वाटरेट सो so, लिनिट थ्योरी के अनुसार क्या किया गया टू अक्वायर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू अक्वायर स्टेबल स्ट्रक्चर ट के अंदर जो चार इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन के होंगे दूसरा जो क्वाटरेट बनेगा उसके अंदर चार इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के होंगे तो इसीलिए तो क्योंकि हमें दो क्वाटरेट बनाने पड़े एट इलेक्ट्रॉन को

और स्पिन। ऐसे देखो दूसरा टेटरा हेडन है दिखाते हैं हम इसके अंदर भी देखो अब की बार हम दिखाएंगे अपोजिट स्पिन के देखो कुछ ऐसे अपोजिट स्पिन दिखाई ना हमने अपोजिट स्पिन फोर इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन ऐसे ही अपोजिट स्पिन फोर इलेक्ट्रॉन्स की तो हमने दो टेट्रा बना जिसके अंदर को किया, के लिए एक टेट्राहेड्रा का सेट, दूसरे करना है, पूरा एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने अब इन दोनों को हम क्या करेंगे इंटरमिक्स एक दूसरे के नजदीक लेके आएंगे तो अब हम क्या करेंगे इनको डिस्पोज कर देंगे आपस आप में इंटरमिक्स कर देंगे दस द डिस्पोजिशन ऑफ दीज टू

देखो कैसे करेंगे ये जो दो इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए देखो ऑपोजिट स्पिन के एक दूसरे के नजदीक ये दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के ये दो इलेक्ट्रॉन देखो ऑपोजिट स्पिन के ये दो इलेक्ट्रॉन देखो ऑपोजिट स्पिन के आगे ना तो एक दूसरे के नजदीक जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन हैं आप ये अच्छे से अब यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लियर हो गया यहाँ पे तो मीन जो ये दो टेट्राहेड्रा हैं जब एक दूसरे के अंदर इंटरपेनिट्रेट करते हैं तो इस टाइप से करते हैं कि जो ऑपोजिट स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं फॉर्म ऑफ दम क्लोज पेयर नाम डैश तो डैश तो ये क्यूब बन जाता है क्या बन जाएगा बोलो ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर बन जाएगी ना देखो ऐसे क्यूब क्यूबिकल स्ट्रक्चर बन जाती है, तो है। दोबारा से रिप्रेजेंट कर दिया क्यूब के अंदर सो so, दिस दो सेट वाले जो इलेक्ट्रॉन थे एक स्पिन के जिसमे अपर डायरेक्शन में हमने फोर इलेक्ट्रॉन को दिखाया हाफ एरो अपवर्ड डायरेक्शन में हाफ एरोनवर्ड डायरेक्शन में दूसरा क्वार्टरेट था और जब वो एक दूसरे को इंटरपेनिट्रेट करते हैं तो उस बात उसके बाद हमें एक ऐसी मिलती है रिपल्शन अब इलेक्ट्रॉन के बीच कम से कम है उन दोनों फैक्टर को यूज करते हुए जिसे हमने कहा था कौन से दो थे आपके स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट और दूसरा था चार्ज कोरिलेशन इफेक्ट ओली वाली बात भी पूरी हो गई कि जो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक आएंगे उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए तो इस तरह से उनके बीच होगी रिपल्शन कम से कम इसीलिए इस थ्योरी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी के जो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के बीच आएंगे उनके बीच जो रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्शन होगी अब वो मिनिमाइज हो गई तो इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी अब जैसे हमने सारी बातें बताई तो फिर आपका मॉलिक्यूल भी बन जाएगा तो मॉलिक्यूल बोलो कैसे बना अभी जो हमने बातें आपको बताई थी कि अकॉर्डिंग टू द लिनेट थ्योरी द एट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डबल क्वाट्रेट फॉर्म वो डबल क्वाट्रेट फॉर्म के अंदर होते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन अपने आप कैसे अरेंज कर लेते हैं सो दीस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीस टू क्वाट्रेट

और इस टैप से हमारा बन जाता है। लेकिन अब ये तो थी सिंपल से सिंपल बात कब की नहीं होते हैं अभी हम एग्जाम्पल भी लेंगे तो उस वक्त क्या करें मान लीजिए आपके पास एट की बजाय टेन इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या करना पड़ सकता है ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन आ जाए वैलेंशियल में तो क्या करें फोर्टीन आ जाए तो क्या करें तो फिलहाल आपने देखा कि जो ये दो टेट्राहेड्रा एक दूसरे के नजदीक आए टू सेपरेट टेट्राहेड एक दूसरे के नजदीक आए टोटल ये बना आपका एट इलेक्ट्रॉन सिस्टम अब देखो ध्यान से आगे हम क्या बता रहे हैं कि अंडर द इंपैक्ट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स वेन द मोलिक्यूल फॉर्म दिस टू टेट्रा हेड्रा बिकम्स कोरिलेटेड अदर आइदर बाय शेयरिंग ऐसा भी हो सकता है कि दो टेट्राहेड्रा सिंपल एक दूसरे को पेनिट्रेट कर जाए या ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले दो टेट्राहेड्रा आपस में एक दूसरे से कंबाइन करें शेयरिंग करें कैसे शेयरिंग करें आइदर बाय शेयरिंग द कॉर्नर और द एज और द फेस देखो कैसे एक ये टेट्राहेड्रा आपने देखा देखो ये टेट्रा है फोर कॉर्नर है इसके हमने फोर इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं उसके बाद देखो दूसरा टेट्राहेड्रा आता है देखो इसके पास जब दूसरा टेट्राहेड्रा इस टाइप से आया कि देखो एक जो सेंट्रल पॉइंट था वो कॉमन हो गया अब काउंट करें आप जो सर्कल लगे हुए टोटल कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स बन बन गए गए बोलो बोलो कितने बन इसके अंदर देखो एक एक में थे, एक में थे थे तो टोटल सेवन हो गए यहाँ पे हो ना सेवन तो ये नाउ दैट इज द वन सेट ये वन स्पिन सेट है जैसे ऊपर हम एक टेट्राहेड्रा बिल्कुल अकेला था देखो इसको वन सेट कह रहे थे जिसपे मैंने सर्कल लगाया ये दूसरा सेट था अब ये दो सेट आपस में इंटरपेनिट्रेट किए थे अब क्या हुआ ये जो कंप्लीट आपके सामने बना दिया दैट इज ए वन सिंगल सेट ये वन स्पिन सेट है ऐसा एक और स्पिन सेट बनेगा फिर वो आपस में पेनिट्रेट करेंगे आपस में बोलो इन स्पिन सेट के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलो कितने हैं है, है. तो जैसे ऊपर वाला हमारा जो सिस्टम बना था वो बोलो क्या बना इज द एट इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्योंकि एक सेट के अंदर फोर इलेक्ट्रॉन्स थे दूसरे सेट के अंदर फोर इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल हो गया था एट इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे एक ही जो स्पिन सेट बना है ये स्पिन सेट बना है दो टेट्राहेड्रा के आपस में कंबाइन करने के बाद और दो टेट्राहेड्रा हमने कंबाइन कैसे करवाए हैं वो करवाए बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉर्नर और इस टैप से सेवन इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक

हम आपको बता दें ये बीच में जो हमने दिखा रखा है दैट इज ए फेस देखो ये इसका फेस है देखो ये फेस क्लियर हो गया अगर हम एक टेट्राहेड्राइस इस टाइप से बनाए के जो ये तीन पॉइंट है इस फेस के ये कॉमन हो जाए देखो ऐसे दूसरा टेट्राहेड्रा आया देखो हमने इसी के ऊपर रख दिया थ्री पॉइंट्स हो गए ना कॉमन आपके तो बोलो कितने बन गए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बोलो इसके अंदर इस टेट्राहेड्रा के अंदर हो गए टोटल ये जो एक स्पिन सेट बन गया ये स्पिन सेट कैसे बना है ये स्पिन सेट भी दो टेट्राहेड्रा के कॉम्बिनेशन से बना है और जब ये दो टेट्राहेड्रा आपस में कंबाइन किए तो इसमें कॉमन क्या इसमें शेयरिंग किस चीज की हुई है नाउ द शेयरिंग ऑफ फेस फेस की शेयरिंग हुई है अब टोटल इलेक्ट्रॉन गिने कितने हो गए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए फाइव बोलो कितने हो गए फाइव फाइव हो गए तो ये तो एक स्पिन सेट है ऐसे स्पिन सेट को जब हम रखेंगे तो टोटल बोलो इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लस में सेवन इलेक्ट्रॉन बोलो कितना सिस्टम बना था वो आपके फोर्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखो एक एक नंबर के आपके छोटे क्वेश्चन बन गए क्या क्वेश्चन बने कि कोई भी ऐसा एग्जाम्पल अभी हम लेने वाले आगे एक ऐसा मोलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया एक एक ऐसी स्पीसी का एग्जाम्पल लिया जिनकी शेल के अंदर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बोलो डायग्राम कौन सा बनाएंगे सबसे ऊपर वाला कि एक टेट्राहेड्रा फोर इलेक्ट्रॉन्स दूसरा टेट्राहेड्रा फोर इलेक्ट्रॉन इंटरपेनिटेट करते हुए दिखा दिए टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो गया तो वो ऐसे मोलिक्यूल्स होंगे जिनकी शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे अभी देखो मैं एक नाम वैसे लिख देता हूँ आपके सामने फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एच एफ लिख दू तो बोलो आप क्या कहेंगे आप ये कहेंगे इसकी कॉन्गेशन आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन काउंट करें बोलो कितने इसमें हो, इस हो गए सेवन तो बोलो दो पूरे एच में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सेवन प्लस में वन इज इकल टू एट तो एट इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया Is a eight क्योंकि के अदर, shell के अदर, जो, के के, तो जो डाय हम बनाएंगे वो कौन सा बनेगा ये ऊपर वाला डायग्राम, जिसमें हमने फोर इलेक्ट्रॉन ऑफ वन सेट फोर इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर सेट हमने बनाया है हो गया पे? तो ऐसे हम आगे एग्जाम्पल लेते चले जाएंगे सिर्फ ये आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे बता दिया अगर हमें टेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेना हो तो बोलो क्या करेंगे बोलो टेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में दो सेट कैसे बनेंगे एक सेट जैसे हमने बना के दिखाया बोलो उस जो सेट बने वो कैसे बना टेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर जो फाइव इलेक्ट्रॉन का एक सेट बना इलेक्ट्रॉन का क्या बना बोलो एक ये जो सेट बना कैसे बना है दो टेट्राहेड्रा का क्या हमने शेयरिंग की दो टेट्राहेड्रा की हमने शेयरिंग की है यहाँ पे फेस ऊपर वाला बताएं। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बताओ कैसे बना हमने दो का क्या किया दो टेट्राहेड्रा का शेयर किया हमने, हम हमने क्या -क्या सिस्टम ऐसा लिया जो एट इलेक्ट्रॉन सिस्टम था हमारा जिसके अंदर हमने कुछ भी शेयरिंग नहीं की दो टेट्राहाइड्रा आपस में इंटरपेनिट्रेट कर गए सिंपल एट इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेकिन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाने के लिए क्या किया फोर्टीन का हाफ कर दो सेवन प्लस सेवन पहले सेवन इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन सेवन का कैसे बनता है ये जरूर ध्यान रखें इस थ्योरी को हम यूनिट थ्योरी को हम क्वाट्रेट थ्योरी कहते हैं डबल क्वाट्रेट थ्योरी कहते हैं मतलब हमारे पास रहेगा हमेशा ही क्वाट्रेट हमारे पास रहेगा हमेशा ही टेट्राहेड्रन। तो एक टेट्राइड्रा लिया दूसरा टेट्राइड्रा लिया कॉमन क्या कर दिया इसमें दो को बने, तो सेट बनेंगे हमेशा ही दो सेट बनेंगे सिस्टम है दो 4 एलेक्टरन, 4 एलेक्टरन, एलेक्टरन सेट बनाओ सेवन इलेक्ट्रॉन सेवन इलेक्ट्रॉन टेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है दो सेट बनाओ फाइव इलेक्ट्रॉन फाइव इलेक्ट्रॉन अब हमें यह सोचना है ये सेवन इलेक्ट्रॉन सेवन इलेक्ट्रॉन कैसे बन सकता है यूज करने वही टेट्राहेड्रा तो कॉर्नर शेयर किया यहां पे शेयर शेयर क्या किया फे किया फेस अब हम देखते हैं कि अगर हम एज शेयर करें तो क्या होगा देखो अब हम एज शेयर करके दिखाते हैं देखिए ये हमने फिर एक टेट्राहेड्रा ले लिया देखो इसके फोर कॉर्नर आपने देखा अब हमने एज का मतलब क्या है ये जो लंबी लाइन होती है इसको एज कहते हैं देखो इसके ऊपर हमने दूसरा टेट्राहेड्रा रखा होगी ना एक एज एक लाइन शेयर तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें बोलो कितने हो गए टोटल पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे एक में फोर थे दो ही पॉइंट तो कॉमन हुए हैं तो बोलो कितने हो गए कितना सिस्टम बना ये two, two, और two, तो एक स्पिन सेट के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? है ऐसे ही दूसरा सेट एक बनाएंगे वो इसके ऊपर रख देंगे इंटरपेनिटेट करवा देंगे तो बोलो ये जो सिस्टम बनने वाला है वो क्या बनने वाला है इलेक्ट्रॉन सिस्टम ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका जो मोलिक्यूल होगा उसकी वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होगा 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब दो स्पिन सेट होने चाहिए

सिस्टम बनाना हो तो इसके दो हिस्से करें बोलो क्या क्या फाइव इलेक्ट्रॉन फाइव इलेक्ट्रॉन बोलो फाइव इलेक्ट्रॉन का एक सेट कैसे बनेगा बोलो कैसे बनेगा दो ले और उनके बीच में फेस कॉमन कर दें अब ऊपर लेते हैं इलेक्ट्रॉन सिस्टम इलेक्ट्रॉन को फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर दें सेवन इलेक्ट्रॉन और ये सेवन इलेक्ट्रॉन बोलो सेवन इलेक्ट्रॉन का वन सेट कैसे बनेगा दो ले और उनके बीच में कॉर्नर आपका कॉमन कर दें क्लियर हो गया अब तो ये सिंपल सी बातें हैं अगर आप इन्हीं बातों को याद रखते हैं तो आपके सिलेबस में हैं है ही यही जो आपके मोलिक्यूल आएंगे जो स्पीसी आएंगी जिनकी हमें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करनी है ऑन द बेस ऑफ द लिनेट थ्योरी तो उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इन्हीं बातों का रखना है ध्यान उस मोलिक्यूल के अंदर

इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना दो, बना दे. के लिए क्या दो ले उनके बीच में एज कॉमन कर दे एक सिक्स एक इलेक्ट्रॉन का एक सेट बन गया ऐसा ही दूसरा बना दे फोर्टीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या करें तो में डिवाइड कर दे सेवन सेवन तो सेवन इलेक्ट्रॉन का एक सेट कैसे बनेगा दो टेट्रा ले उनके बीच में कॉर्नर कॉमन कर दे हो गया तो अब हम इसके बाद अब कुछ एग्जाम्पल वाला बोलो कितने बन के अनुसार या सिंपल पूछ लें ऐसे वो कौन सा मोलिक्यूल है जिसकी शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हाइड्रोजन एच में देखें हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास बोलो कितने होंगे सेवन अगर कॉन्फ्रेशन आप लिख के देखते हैं तो सेवन प्लस वन कितना हो गया एट ऑक्सीजन में देखें सॉरी वाटर के अंदर देखें ऑक्सीजन के पास सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एच टू के एच टू के पास दो हो गए तो नाइट्रोजन के पास फाइव हैं हाइड्रोजन के थ्री है तो थ्री हो गया एट तो ये सारे वो सिस्टम है वो एग्जाम्पल है जिनके अंदर एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सिमिलरली नाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम कार्बन के पास बोलो कितने होते हैं टू फोर फोर होते हैं नाइट्रोजन की बैलेंशियल में फाइव होते हैं फोर प्लस फाइव नाइन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया इलेक्ट्रॉन सिस्टम नाइट्रोजन नाइट्रोजन के के पास पास कितने होते हैं दूसरे भी 5 तो के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इलेवन सो इलेक्ट्रॉन इलेवन बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा ट्वेल्व ऑक्सीजन के पास में कितने बताइए सिक्स और दूसरे के पास भी सिक्स 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 ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया C2H4 में आप देखना चाहें कार्बन के पास कितने होते हैं फोर फोर टू जा जाए और हाइड्रोजन के पास एक होता है हाइड्रोजन फोर है तो एट प्लस फोर ट्वेल्व तो ये भी ट्वेल्व वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका सिस्टम बन गया एंड सोनी स्टेप से आप काउंट कर सकते हैं थर्टीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम एफ ओ फ्लोरिन के पास बोलो कितने होते हैं सेवन और आपके ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 6, 7 6 13 का एग्जाम्पल हो गया 14 तो दो तो आपके हाइड्रोजन के हो गए और ऑक्सीजन के पास सिक्स टू जाए ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन हो गए so आप कैलकुलेट इस टाइप से कर ही सकते हैं सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो उसी टाइप से जैसे मैंने आपको बताया तो इस टाइप से आप हर एक कैलकुलेट सेवनटीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे एनओ टू हो गया 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे O3 हो गया जैसे ऑक्सीजन के पास सिक्स होते हैं कार्बन के पास कितने बन गया आपका ये तो अब हम फिलहाल अपने इस लेक्चर के अंदर जो हम आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे वो एट इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ही एक्सप्लेन करेंगे उसमें भी कुछ स्पेसिफाइड मोलिक्यूल लेंगे जैसे एच ले लेंगे वाटरामोनियमी से या नियोन And so on. तो सबसे पहले अब हम लेते हैं हमारे सामने का में आ how, how the वही बड़ी सिंपल सी बातें देखो सबसे पहले आप हाइड्रोजन की कॉन्गेशन लिखे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्गेशन ऑफ द नेबरिंग एटम वो लोग कौन हो गया हाइड्रोजन की वन एस वन ये हमने ओपन फॉर्म में भी लिख दिया है इलेक्ट्रॉन था फ्लोरिन एटम की लिखेंगे तो वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन 2p में 5 2 2 4 और 1, 5, हंस रूल को यूज करते हुए हमने इस स्टेप से वैलेंस वैलेंस कॉन्फिगरेशन ड्रा कर दी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए देखो हाइड्रोजन के अंदर तो देखो एक ही था यहां पे फ्लोरीन के अंदर देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 7 है तो 1 7 सेवन इजिकल इसलिए हमने लिखा है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्लोरीन द्लोरिनट अभी अभी आपको समझाया था कि 8 इलेक्ट्रॉन को कोटरेट ही यूज करने हैं बोलो फोर को कैसे डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड करेंगे दो सेट के अंदर फोर इलेक्ट्रॉन और फोर इलेक्ट्रॉन

उसके साथ साथ आपके एक बॉन्ड भी बन जाएगा एच और एफ के बीच में हमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखो इस स्टेप से देखो हमने ये क्या शो किया है दो इलेक्ट्रॉन जो आए हैं यहाँ पे देखो इधर तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे देखो एक साइड में हम एच लिख देंगे देखो ऐसे ये एच इधर और इधर हम क्या लिख देंगे बोलो ये एफ देखो यहाँ पे ये यह एफ आ गया क्लियर हो गया और इन दो इलेक्ट्रॉन देखो देखो ये जो है अपोजिट स्पिन के देखो ये दो इलेक्ट्रॉन इनकी वजह से देखो ये यह यहाँ पे क्या बन गया बोलो बॉन्ड और यहाँ पे जो ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन देखो ये 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 देखो ये आ गई हमने नीचे शो कर दिया यहाँ पे ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन देखो ये आ गए ये हमने ये शो कर दिया ऊपर वाला ये ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन देखो एक जो स्ट्रेट लाइन के अंदर ये ये बीच का बन गया सो आर दी पेयर रिमेन डीलोकेलाइज ऑन द फ्लोरिन एटम तो यही हमने लिखा है यहाँ पे हैंस द वन क्लोज पेयर इज फॉर्मड ऑन द एफ एटम विच इज यूज फॉर होल्डिंग द एच एटम फ्लोरिन के पास जो ये एक क्लोज पेयर बना है ये तो एच को होल्ड करने के लिए हो गया एंड द अदर सिक्स इलेक्ट्रॉन रिमेन डीलोकलाइज ऑन द फ्लोरिन एटम इन द फॉर्म दफ दी पेयर वो लोन पेयर की फॉर्म के अंदर तो इस तरह से हमने एक्सप्लेन कर दी स्ट्रक्चर बोलो किस चीज की एच एफ की फॉर्मेशन क्लियर हो गया तो ऐसे ही जितने भी एट इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे उन सभी की स्ट्रक्चर हम इस टेप से एक्सप्लेन कर पाएंगे तो ये पहला एग्जाम्पल देखो फिर से देख ले, देखो हमें करना क्या होता है ऐसे ही सभी के आप एक्सप्लेन कर पाएंगे जैसे एच एफ मोलिक्यूल की हमने एक्सप्लेन की जो भी मोलिक्यूल होता है जैसे एच एफ उसमें जो भी आइटम उनकी सबसे पहले उनकी कॉन्गेशन लिखे जैसे एच की लिख दी एफ की लिख दी उनके के इलेक्ट्रॉन काउंट करें लिख देते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे एट आ गए पे उसके बाद एट आ गए उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे एट का टू पार्ट आपके फोर इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया फोर इलेक्ट्रॉन से क्योंकि टेट्राहड्रा ही हमें यूज करने हैं तो हमें सिंपल टेट्राइड्रा से हमारा काम चल गया सो द फोर इलेक्ट्रॉन ऑफ वन स्पिन सेट आरेंज इन दफ दी टेट्राहाइड्रा ऐसे

सी फोर अब उसी टाइप से बोलो किसकी लिखे हाइड्रोजन की कॉन्फिगेशन क्या रहेगी वही वन एस वन ये इसकी ओपन फॉर्म लिख दी कार्बन की क्या रहेगी वन एस टू टू एस टू टू पी टू ओपन फॉर्म में लिखे और ग्राउंड स्टेट दोनों हमने दिखा दी तो बोलो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हो गए यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हो जाएंगे मिथेन के अंदर सी है ये यहाँ पे तो मिथेन की जब हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन तो देखो कार्बन के अंदर हो गए और वन इलेक्ट्रॉन आपके किसके अंदर हो गया देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर हो गया वन इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन के पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन गए बोलो फोर और वन ठीक है ना लेकिन हाइड्रोजन बोलो कितने हैं हाइड्रोजन है फोर तो बोलो क्या करेंगे वन हाइड्रोजन के पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन था फोर हाइड्रोजन के पास कितने आ जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय फोर इजिकल टू फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बोलो टोटल कितने बन गए फोर कार्बन के फोर हाइड्रोजन के टोटल हो गए एट मतलब कितने हो गए एट क्लियर हो गया तो ये भी एट इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एट इलेक्ट्रॉन को कैसे डिवाइड करें इसके भी दो सेट बना दोगे फोर इलेक्ट्रॉन सेट एक बनेगा फोर इलेक्ट्रॉन का सेट आपका दूसरा बन जाएगा किस फॉर्म में फोर का बना तो सिंपल टेट्राहेड्रा सो फोर इलेक्ट्रॉन वन स्पिन सेट आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द टेट्राहेड्रा

इसके बाद नेक्स्ट हम मोलिक्यूल लेते हैं अमोनिया उसी टाइप से सबसे पहले आप हाइड्रोजन की हाइड्रोजन थ्री है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे थ्री नेक्स्ट हम लिखते हैं की जो नाइट्रोजन है 1S2, 2S2, 2P3, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए इसके अंदर हो गए फाइव हाइड्रोजन थ्री थे तो फाइव प्लस थ्री एट

तीन एच को तो देखो ये होल्ड करेगा देखो ये वन किसको होल्ड करेगा बोलो ये? ये एक एच को दूसरा दूसरे एच को ये थर्ड एच को आप कहीं पे भी शो कर सकते हैं जरूरी नहीं जहां पे मैंने एच दिखाया कहीं पे भी आप शो कर दें ये एक लोन पे रह जाएगा या लोन पे आप दूसरी जगह दिखा दें यहाँ पे एक एच दिखा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फोर क्लोज पेयर आर फॉर्म लोन दी नाइट्रोजन एटम थ्री क्लोज पेयर आर यूज फॉर होल्डिंग द एच एटम वाइल द अदर

ओपन फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे ये ऑक्सीजन है वो एटम. तो तो टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलो कितने हो हो गए ऑक्सीजन के अंदर तो देखो ये 6, 2, वहाँ पे 8 हो जाएंगे उसी टाइप से एट है तो दो स्पिन सेट ही बनाने पड़ेंगे जैसे हमने पीछे आपको बताते हैं फोर स्पिन सेट फोर इलेक्ट्रॉन का अदर स्पिन सेट सेट आर टेट्राहेड्रा

ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन है एक रेड से एक ब्लैक से ऑपोजिट स्पिन है ये दूसरा यहाँ पे हम शो कर देंगे देखिए है, एक एच यहाँ पे ये जो दो बच गए दी जा रही लॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर तो एटम टू क्लोज पेयर आर यूज्ड फॉर होल्डिंग ऑन फॉर्म ऑफ दियर तो इस टाइप से ये हमने वाटर की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया यूजिंग द लिनेट थ्योरी

तो फोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन स्पिन टेट्राहेड्रा आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द फोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन स्पिन सेट आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द टेट्राहेड्रा सिमिलरली इन द सेम वे द फोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर स्पिन सेट आर आल्सो अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द टेट्राहेड्रा विद द सेम ओरिएंटेशन लाइक दैट ऑफ द फर्स्ट स्पिन सेट नाउ सुपर इंपोज दीस टू स्पिन सेट ऑल द एट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द क्लोज पेयर देखो हमने ये सुपर इंपोज किया देखो इंटरपेनिट्रेट हमने कर दिया इंटरपेनिट्रेट करने अब देखो क्या हुआ बीच में बोलो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बीच में हम लिखेंगे यहाँ पे देखो बीच में एन ई अब इसमें क्या है ये सारे के सारे बोलो किस फॉर्म सारे सारे में होंगे इन द फॉर्म ऑफ लॉन पेयर लॉन पेयर की फॉर्म में ये सारे नियोन के ऊपर जितने भी हैं सारे इन द फॉर्म ऑफ दॉन पेयर ये एक लॉन पेयर बन गया ये सेकंड लॉन पेयर बन जाएगा एंड सो ऑन ये सारे के सारे किस फॉर्म में बोलो इन द फॉर्म ऑफ दॉन पेयर ही होंगे देखो फोर क्लोज पेर आर फॉर्म किया तो नियोन कि तो एटम को हमने एक्सप्लेन किया इन द लिनिट थ्योरी लिनेट थ्योरी के फॉर्म में लिनेट थ्योरी को यूज करते हुए तो इस टाइप से हमने देखा कि लिनिट थ्योरी है क्या

वो, लेकिन वो जो बात थी वो एप्लीकेबल रहती है सिर्फ एट इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अदर इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी जब हम डिवाइड करते हैं तो उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं फिर देखते हैं दो टेट्राहेड्रा को आपस में कंबाइन कैसे करें वन स्पिन सेट बनाने के लिए सो दैट इज ऑल अबाउट द द लिनेट थ्योरी विद ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखेंगे उसके बाद ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी देखेंगे और फिर फोर्टीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी हम स्टडी करेंगे थैंक यू